आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों, घटनाओं, प्रोजेक्ट्स को विभिन्न दृष्टिकोण अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे। इन सब को मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है। अब जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, खेतों में, सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्लासरूम में उनको रेलवे का इंजन पढ़ाएं, क्लासरूम में आप उनको बस पर पढ़ाएं, लेकिन कभी तय करें कि अगर गांव के नजदीक में रेलवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे। बच्चों को स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन कैसा होता है दिखाएंगे, फिर कभी बस स्टेशन पे ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे। वो देख करके सीखना शुरू कर लेता है। मैं जानता हूं कई प्रिंसिपल्स और शिक्षक जरूर ये सोच रहे होंगे कि वो तो अपने स्कूल में, कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूं बहुत से टीचर बड़े इनोवेटिव होते हैं और जी जान से लगे होते, करते रहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना ज्यादा फैलाएंगे, हमारे साथी शिक्षकों को भी सीखने का मौका मिलेगा। और इस वजह से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रह जाते हैं। टीचरों का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शेयर होगा, वो बच्चों के लाभ में जाएगा।